अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत ईद मुबारक। और अभी क्या हो रहा है, आज है डे वन ईद का, मतलब अभी पहला ही दिन है और हमने व्लॉग स्टार्ट किया है अभी। और इस टाइम वक्त हो रहा है सुबह के, कह सकते हैं, क्योंकि सुबह के 11:30 हो रहे हैं और अभी हम बना रहे हैं दोपहर का खाना। जैसे कि आप लोगों ने चांद रात व्लॉग पे देखा होगा कि हमने कीमे को मैरिनेट करके रख दिया था, ठीक है, रात और इसके लिए ये तो मैरिनेट हुआ है ओवरनाइट से। मैंने दो डली प्याज की कट कर ली है, हरी मिर्ची कट करी है और ये है अदरक, खूब सारी ये मैंने कट कर ली है। यहाँ पे ऑयल जो है हमारा गरम हो रहा है और आज हम अच्छे बच्चों की तरह उठे हुए थे, 6:30 बजे से हम 6:30 बजे से उठ गए थे भाई फाइनली। और पता नहीं क्यों आज कौन आया, पता नहीं, सब्जी वाला नहीं हो सकता, कोई तो आया होगा गली में। अच्छा अभी हम रुके, पहले इन्हें जाने दें फिर मैं बात करती हूँ। अच्छा जी, अब ये ऑयल जैसे गरम हो जाता है ना तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये मैरिनेटेड हमारा जो कीमा है ये ऐड कर देंगे और बस इसे भूनना है और बनाई करनी है। अरे यार प्याज नहीं डाली मैंने, OMG निकालो जल्दी से। नहीं निकाल दो साथ ही। हाँ हाँ मैंने फ्राई थोड़ी करनी होती है। अच्छा हाँ ये तो ट्रांसल्यूसेंट करनी होती है। चलिए देखिए लाइव आपके साथ हो जाता है। पहले फ्राई कर लीजिएगा। अच्छा हाँ मैं ये बता दूँ कि हम अभी दोपहर का खाना इतनी जल्दी क्यों बना रहे हैं 11:30 बजे करीब, क्योंकि फिर ये होता है ना भाई जिसको खाना है, क्योंकि मूड नहीं हो रहा होता और रूटीन आपको पता है रमज़ान वाली चल रही होती है और सबको आदत नहीं होती, जैसे सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं होती, एक महीने में चेंज हो जाता है सब कुछ, ऐसा लगता है पुराना और रूटीन चेंज हो गया। और मैंने ना सुबह में कर लिया नाश्ता और उसके बाद से तबीयत इतनी भारी है कि बस हाँ जबकि भूख लग रही थी लेकिन फिर भी तबीयत बहुत भारी हुई। अरे हमें रात को 3 बजे लग रही थी भूख, क्योंकि वो हमारी सहरी का वक्त होता है ना तो आदत है हमें हमेशा, और वही हमने खाना वाना कुछ खाया तो नहीं था। हमने क्या किया, मैगी बना के खाया रात को 3 बजे, उसके बाद हम सो गए शराफत से अच्छे बच्चों की तरह। अच्छा अभी घर में मतलब सब लोग गए हुए हैं, हम लोग गए थे खाला के घर और उनसे मिलकर आ गए, फिर अम्मी को जाना था अपनी चच्ची के घर, फिर एक कज़न है उनके घर जाना है फुरसे के लिए, उनके पहली ईद है तो अम्मी ये लोग सब गए हुए हैं, अभी 2 और मैं अकेले हैं। हमने घर को समेट दिया जो भी था, मतलब कल तक रात तक काम किया, सुबह उठ के दोबारा नहीं वो सब चीज़ें फैली नहीं, सब दोबारा टैक्स पड़े हुए, कभी ये पड़ा हुआ, कभी शॉपर पड़े हुए, मतलब कुछ ना कुछ होता है घर में, फैल जाता है ईद वाले दिन भी ये वाली चीज़ें बहुत फैलती हैं। तो हमने सोचा ये पकाना है तो इन पका के रख दूँ ताकि बाद में मैं अपने काम वाम करती रहूँ। और एक्चुअली हमने मेहंदी नहीं लगाई, हाँ वो भी लगानी है हम अब लगाएंगे मेहंदी इंशाल्लाह और फिर देखते हैं कैसे गुजरता है दिन पूरा और आपके साथ सारी अपडेट देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि हमारा दिन कैसा गुजर रहा है और हम क्या क्या करेंगे आज के दिन। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तो मैं गारंटी बता सकती हूँ, तो लाजमी से पूरा ब्लॉग देखिएगा। हमने कपड़े भी नहीं चेंज किए, हम लोग अपना अलविदा वाला सूट पहन के ही चले गए थे, क्योंकि ना नया सूट नहीं पहनते हैं अगर आप पहली ईद पे जा रहे हो तो नहीं पहनते, अगर पहनना भी है तो आप थोड़ा सादा सा पहन ले सूट, तो हमने कहा यार यही है थोड़ा सा सिंपल सा तो हम यही पहन लेते हैं अलविदा वाला। अभी हम रेडी भी नहीं हुए हैं तो जब हम मेहंदी लगाएंगे ना उसके बाद हम रेडी होंगे, मतलब शाम तक ही रेडी होंगे, फिर वो आपको दिखाएंगे भी कि हम कैसे रेडी हुए हैं और हमारा लुक क्या आ रहा है रेडी होने के बाद, ठीक है। अच्छा ये मैं कीमा आपको दिखाती रहूँगी, ये मैं बस हल्का सा मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी खुद हल्की आँच पे पकने के लिए ना, बूंदों में बस बूंदों पे रख देंगे इसको। अब इसमें जो प्याज है ना वो हल्की सी गल जाएगी और लेकिन इसके अंदर ऐसी तरह साबू थोड़ी सी नज़र आती है प्याज, इसलिए मैंने इसको बाद में भी डाल दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और बहुत सारे लोग कहेंगे मानिए आपने दही नहीं ऐड किया, आपने ये नहीं ऐड किया, आपने वो नहीं ऐड किया, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और ये टेस्टी बन के तैयार होता है। और क्या कहना था मुझे, हाँ दही आपकी मर्ज़ी, आप लोग ऐड करना चाहें ऐड करोगे आप? नहीं मैं नहीं ऐड कर रही, वो मैरिनेशन में ही ऐड करना होता है तो आप 1 कप दही ऐड कर सकते हैं, यार उससे पानी बहुत छूट जाता है और मुझे ऐसा लगता है दही ऐड करने से ना बाजू का जो अगर दही खट्टा है ना तो गोश्त थोड़ा सख्त हो जाता है। हाँ ये तो बात, मलाई जैसा नहीं बनता, मुझे चाहिए थोड़ा मलाई जैसा आई हो बन जाए, समटाइम ऐसा होता है कि नहीं बनता। अभी मैंने पपीता नहीं लगाया था, मैंने इसमें लगाया था कचरी पाउडर, अब देखते हैं ये बनता है कि नहीं बनता, वैसे बन जाना चाहिए मलाई जैसा, क्योंकि कल रात को हमने मैरिनेट किया है आई थिंक, नहीं 12 बजे तक कर दिया था ना आपने, 12 बजे तक
हाँ तो 12 घंटे तो हो ही चुके हैं तकरीबन। अब देखें इसने पानी छोड़ना स्टार्ट किया, बस इसको इतना कि ना हीट लग जाए अच्छी तरीके से पूरे कीमे को, उसके बाद मैं कवर करके छोड़ दूंगी, फिर बाकी का स्टेप आपको बाद में दिखाते हैं। तो जी कीमे को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और इसको आके मैंने चेक कर लिया था तो मुझे लगा ये गल चुका है। तो जब ये कीमा गल जाए तो उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, हरी मिर्चें और अदरक ऐड कर देनी है खूब सारी, क्योंकि अदरक जो है ना वो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसके अंदर पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं ऐड किया। और इसको हम दम पे रख देंगे हरी मिर्ची और अदरक ऐड करने के बाद। उसके बाद मैंने क्या किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया स्टेप, तो मैंने ना कोयले का जो स्मोक था ना वो दे दिया था, उससे बड़ा अच्छा बारबेक्यू कीमे का एक आपके फ्लेवर आ जाता है, बड़ा अच्छा सा अरोमा हो जाता है इसका ना, क्योंकि हम ना बिजी हो गए थे ये कीमा बनाने के बाद, क्योंकि वो घर पहले पूरा समेटना था उसके बाद फिर हमें लगानी थी मेहंदी, क्योंकि हमने मेहंदी नहीं लगाई थी। तो ना आप ने जल्दी से इसको रेडी किया था, इसमें जब ये दम आ गया था स्मोक दे दिया था और उसके बाद फटाफट में बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि हमारा ये था हमें शाम में जाना था डिनर पर। मैंने बोला जब तक एक एक हाथ पे तो लगा ही लूँ ना, क्योंकि मेहंदी ना लगे तब तक ईद का पता नहीं चलता। तो ईद का ही ईद का मजा मेहंदी में ही है, जो कि बात बिल्कुल है, हाँ। ना आप लोग भी एग्री करेंगे। तो क्योंकि फिर कोई मौका भी तो नहीं होता ना मेहंदी लगाने, हाँ। का मोस्टली हम लोग ईद पे ही लगा रहे होते हैं मेहंदी ना, और अच्छा भी लगता है ईद पे मेहंदी लगाना, एक आपकी खुशी का इजहार होता है एक तरह से ना। हाँ तो फिर लगाने में बैठ गई थी मेहंदी और आप लोग बताएगा पिया की मेहंदी कैसी लग रही है। अच्छा पिया ने मुझसे कहा था सोया बस मेरे सिंपल सी ना बस फिंगर्स बना देना, मैंने बोला चलो सिंपल नहीं बनाऊंगी लेकिन मतलब फिल वाली ना पूरी फिंगर्स पता चलनी चाहिए, भाई फिंगर्स लगी हुई मेहंदी लगी हुई है। तो मैंने अच्छा सा मैंने लगा दिया था और फिर उसके बाद जब अपिया फारिग हो गई थी फिर मैं अपने मेहंदी लगाने लगी थी और अम्मी के लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि ना अम्मी सो गई थी। अब सोते हुए इंसान के ना लगाने में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हाथ इधर उधर मुड़ रहा होता है। तो फिर खैर मैंने सोचा था अम्मी के मैं बाद में लगा दूंगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना तो फ़ौरन से लगा दूंगी। और ये देखें अपिया का फाइनल लुक, और इसके बाद फिर मैंने लगा ली थी मेरे लगाने के लिए ना, अपिया जब तक सो चुकी थी जब मैं अपने मेहंदी लगा रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो मैं ही फाइनल दिखा दूंगी कि किस तरह की मेरी मेहंदी लग के तैयार हुई है। और इस टाइम तक अपिया की सूख चुकी थी मेहंदी और फिर उन्होंने हाथ वॉश कर लिया, तो मैंने बोला चलो वो भी तुम दिखा दो कैसा कलर आया। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया था, मतलब ये और डार्क हो गया था, अभी बस मैं हाथ वॉश करके आई थी और हाथ से पानी वगैरह हटा लिया था, तो फिर मैंने कहा मैं भी दिखा दूँ, जो अपना फाइनल लुक ले रही थी मेहंदी का ना, तो फिर मैं भी अपना हाथ ज़रा आगे ले आई, मैंने कहा मैं भी ज़रा शुमार हो जाऊँ उसे। तो खैर यहाँ पर ही मैंने मेहंदी वॉश कर ली थी, थोड़ी देर बाद ना थोड़ा हवा लगती तो डार्क हो जाता है, फिर उसके बाद हम तैयार होना स्टार्ट हुए। अक्सर लोग कहते हैं आप लोग जब तैयार हो रहे होते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं रिकॉर्ड नहीं करते, प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर किया करें। तो ये आज दोया ने थोड़े थोड़े से क्लिप्स ले लिए, हम लोग कोई बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होते हैं तो इस वजह से हम कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर मेकअप नहीं कर रहे होते हम ना, वो तड़कता भड़कता वाला। एक्चुअली हमने किया क्या था अब मैं बताती हूँ, हमने जस्ट बीबी क्रीम लगाई थी और जो बीबी पाउडर होता है ना हम वो यूज़ करते हैं, वही लगा लिया था, पाउडर वगैरह कुछ नहीं लगाया था। और फिर बस क्या किया, मस्कारा लगाया, लिपस्टिक लगाई, हल्का सा ब्लशन लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि हमें तड़कता भड़कता पिंक वाले कलर नहीं पसंद। तो खैर बस वो लगाया और हमारा डेट सेट, हमारा मेकअप रेडी हो गया था, मतलब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। और जाहिर है एक तो गर्मी बहुत होती है, आप ज़्यादा ना मतलब बेस वगैरह लगा के या शिमर लगा के या बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से हम नहीं तैयार हो सकते थे, शादी पर नहीं जा रहे थे, हमें डिनर जाना था ईद के डिनर के लिए, तो खैर उसके लिए रेडी हो रहे थे, बस जितना आपको दिख रहा है ना हम इतना ही तैयार हुए। फिर बस इसके बाद हमने लिपस्टिक लगा ली थी बस, और फिर हमने कपड़े चेंज कर लिए, हाँ, थे। मतलब हम लोग नहीं होते ज़्यादा तैयार, और मौका हो तो आप तैयार हो जाओ तो अच्छा भी लगता है, वैसे नहीं होते नॉर्मली तैयार, मतलब आप डिनर पे जा रहे हैं या लंच पे जा रहे हैं बाहर कहीं, तो उस पर इतना अच्छा तैयार होना नहीं, बस थोड़ा सा आईब्रोज वगैरह को शेप दे दिया था, ये सब किया हम लोगों ने। उसके बाद बस हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, फिर हमने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लें, इधर मैं अपने इयररिंग्स को सेट कर रही थी तो जोया को जैसे जैसे मौका लगा जोया ने थोड़े थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और हम रेडी हो चुके हैं तो हमने बोला कि आपके साथ शेयर कर दें कि हम कैसे लग रहे हैं, अपना लुक शेयर। यार गर्मियों में ज्यादा तैयार नहीं हुआ जाता, मैं तो नहीं होती हूँ तैयार, लेकिन फिर भी आज ईद का मौका है और इस वजह से कपड़े भी चेंज करने थे तो कर लिए थे हम लोगों ने चेंज, और थोड़ा सा तैयार भी हो गए थे, थोड़ा सा बस, ज्यादा थोड़ा सा, और किया ही क्या, आपके सामने ही तैयार हुए हैं, ब्लशन लगाया, लिपस्टिक लगाई है, और वो भी लाइट साइज से ज्यादा नहीं, क्योंकि बेसिस वगैरह ये स्टेप की चीजें गर्मियों में नहीं लगाई जाती, आप देखें स्ट्रेट किए थे बाल और पसीना सब कर, मतलब आप
थोड़ी देर में ना पसीनो पसीनो हाँ। ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप मतलब ठंड से बाहर आए आप उसके बाद देखें किचन में आप चले जाए 5 मिनट के लिए, सारी मेहनत आया। मैंने कहा देखो इतनी मेहनत से मैंने कर्ल किए थे और कर्ल नहीं स्ट्रेट किए थे मैंने बाल, और इसमें ना बाय द वे मैंने भी स्ट्रेट किए थे देन उसको थोड़ा सा करने की कोशिश की। कर्ली वाले और मेरे थोड़े से ना मेरे कर्ली नहीं है लेकिन एक बाउंस आता है मतलब उसका टेक्सचर अच्छा है मेरे बालों का खुद ही। खैर नहीं खैर आप लोग बताएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं हाँ। आप लोगों को और बहुत सारी रिक्वेस्टें थी कि भाई आप लोग तैयार होके जरूर सामने आइएगा, जरूर सामने आइएगा। भाई रमजान में तो भाई हालत टाइट होती है, उसमें तो हम नहीं आ सकते थे सामने क्योंकि हम काम कर ले वो बहुत बड़ी बात होती है और रेगुलर बेसिस पे क्योंकि मेरा टास्क था और मैंने अपने रमजान ने कहा था यार मैं अपने आप से प्रॉमिस था मेरा मैं जरूर अपलोड करूंगी कुछ भी हो जाए मेरी कैसी भी हालत हो, क्योंकि ऐसा होता है ना रमजान में आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो ही जाती है, अप डाउन होती है क्योंकि कभी होता है बीबी लो भी हो जाता है, शुगर लो हो जाती है कभी आपकी, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन नहीं जोए ने खैर हिम्मत करी और रेगुलर अपलोडिंग करी और अच्छा खैर आज हम लोगों को टाइम नहीं मिला था मेहंदी वगैरह लगाने का, बस एक एक हाथ पे लगाई है, मैं सिर्फ फिंगर्स लगवाई है ये करीब से और वैसे तो मैंने दिखाई दी हूँ और मैंने बस दो रिंग्स पहनी है अपनी वॉच पहनी है, ये रिंग पहनी है और एक ईयर रिंग आपने देखी होगी, मुझे जरा बड़ी बड़ी रिंग्स पहनने का शौक है पहनी हुई है। उसके अलावा थोड़ी सी मैंने चूड़ियां नहीं पहनी यार गर्मी मुझे मैंने कहा मैं एक घड़ी पहन लूँ ना एक हाथ में बस मेरे लिए यही काफी है और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो खैर आप लोग जरूर बताएगा कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, जरूर बताएगा और माशाल्लाह बता दीजिएगा। हाँ भाई जरूर बताएगा हाँ। सोया को बता दीजिएगा हाँ। मैंने ये ना हाँ। हम बता रहे हैं ना अच्छा जी। और इसके अलावा ये भी जरूर बताएं भाई आप लोगों ने आज का दिन कैसे गुजारा, क्योंकि हमारा तो पूरा का पूरा दिन आपके सामने है हाँ गर्मी हमारा तो पूरा का पूरा दिन आपके सामने है कि हमने अपनी सुबह से लेके जो रूटीन थी, एक तो चांद रात पे हमने मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर दी थी, उसके बाद से हमारा ब्लॉग दूसरा वाला स्टार्ट हो गया था मतलब ये वाला, तो जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी हाँ। अच्छा बाकी के रूटीन बाकी है क्योंकि हम रेडी हुए हैं, तो क्यों हुए हैं कि बाहर जाने के लिए रेडी हुए हैं और मेरे बालों की हालत कोई बात नहीं आगे नहीं करो मैंने खुद पीछे कर दिए वो बहुत मुझे इरिटेट कर रहे हैं। शायद मैंने इयरिंग्स पहने और मैंने पहली बार कुछ इस टाइप के इयरिंग्स पहने, ये थोड़े से इरिटेटिंग है मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर ना इसका जो वो अटकता हो क्या ना वो आपकी कान हाँ, की इयरिंग्स ये वाले। अच्छा मैंने इयरिंग्स ये वाले पहने अगर आपको घुस जाओ कैमरे के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो ये पहने क्योंकि सब वो पूछते हैं ना कि भाई आपने इसके साथ क्या वेयर किया आपने इसके साथ क्या। अच्छा ये मैं बता दूँ ये जो है इयरिंग्स है ना ये थोड़े से ना इरिटेटिंग है क्योंकि ये वाली हड्डी पे हाँ ये वाली हड्डी मैं अपने आप को देख के बात करूँगी हमेशा क्योंकि मैं रोज सामने नहीं आती ना इसलिए। अच्छा अच्छा खैर तो ये वाली हड्डी पे नहीं जो नरम वाली हड्डी होती है इसके ऊपर यार ये इस पे ना थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं मतलब ये दुख जाएंगे मुझे अंदाजा है इस बात का और मैं ये आर्टिफिशियल पहनती नहीं हूँ मैं चांदी की बारियां पहनती हूँ बहुत छोटी सी और जिसका वेट ही नहीं होता हाँ, जिसका वेट ही नहीं होता वो बिल्कुल भी हाँ बहुत छोटी सी होती है जो नजर भी ना आए, क्योंकि सिर्फ इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरे कान ना महीनों से सालों से बनते हैं और कुछ मैं एक साल से पहन रहे हैं ना हम लोग एक साल पहले मैंने वो ली थी बालियां मैंने कहा सबसे छोटे साइज की तो इतने से बच्चे पहनते हैं वो दे दें मुझे ताकि वो नजर भी ना आए कान पे एक्चुअली कान ना बंद हो जाते हैं दैट्स व्हाई हम पहनते हैं कहाँ आप पहुंच गए हाँ नहीं नहीं मतलब मैंने इसलिए पहनती हूँ ना क्योंकि वो कान मेरे बंद हो जाते हैं और फिर उसको दोबारा से पूरा प्रोसेस होता है छिंदवाने जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिया ने लगाई है इस पे एक कोट है इस पे दो कोट है वो टाइम की उस पे डिपेंड करता है हाँ। अच्छा मैंने ना क्यूटेक्स लगानी थी लेकिन मेरे रमजान में लास्ट वीक में ना क्योंकि सफाइयां की थी तो ना नेल्स मेरे टूट गए तो फिर मैंने सोचा था मेरे पास बहुत सारे नेल्स रखे हुए आर्टिफिशियल, मैंने क्या किया दोपहर के टाइम पे ना जब अपिया कीमा से सबसे फारिग हुई थी ना तो फिर मैंने क्या किया उस पे क्या नेल पॉलिश लगा के रख दी गोल्डन और इस तरह का कलर था मेरे पास कॉम्बिनेशन के अंदर इतनी हसीन मैंने लगा के रखी उसे मैंने सेट करके बकाया था वो लगा के रख दी और मैंने सोचा कि मैं स्टिक कर लूंगी लेकिन अभी वो लास्ट मोमेंट पे वो स्टिक ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रहे क्योंकि पसीना आ रहा है जोए को असल में थोड़ा ज्यादा पसीना आता है अगर आप देखें इसके हाथ आपको गीले नजर आएंगे मतलब ये देखें
हाँ इसके हाथ, और इसके हाथों में मैनी नहीं सूखती है, इसको हटानी पड़ती है गीली। मैंने ना बड़ा, हाँ अच्छा आपने देखा होगा बाल है, बाल है। अच्छा कोई बात तो ना इसको पसीना इतना आता है तो वो स्टिक नहीं हो रहा। हाँ तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, नेल्स नहीं है तो क्या है, हम अच्छे से तैयार हो गए और बाकी हम गर्मियों में आप इतना भी तैयार हो गए तो बहुत है, और पसीने आ रहे हैं, सब कर लिया छोड़ो, हाँ अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हमें पसीने बहुत आ रहे हैं, पसीने बहुत आ रहे हैं और हमें जाना है, इससे पहले हम पूरे पिघल जाएं, बुरी हो जाए हमारी, हाँ हमें पहले हम चले जाते हैं, हाँ हम पिघल जाएं और अब्बू बोलना शुरू कर दें अब दोबारा से तुम लोगों ने मेकअप करना है तो फिर नहीं देते, नहीं इतने हम फारग नहीं है दोबारा से मेकअप करेंगे, हम भले हमारा पसीना बह जाए और सारा मेकअप बह जाए, मुझे लग रहा है मुझे ऊपर करने पड़ जाएंगे। हाँ जी कर लो, मैंने भी ये सोचा है मैं भी इनको ना पूरा ऊपर कर लूंगी बालों को क्योंकि मैं पूरा ना पीछे से गीली हो चुकी हूँ, बहुत पसीना आ रहा है। तो खैर बस हमें देर भी हो रही है और हम निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्योंकि पूरा दिन जब आपके साथ शेयर किया है हमने क्या क्या किया, आज का डिनर भी आपके साथ शेयर करेंगे, हम डिनर करने जा रहे हैं बेसिकली, और हम लोगों ने सोचा था हम कहीं जाके डिनर करेंगे क्योंकि बहुत खाली अपने हाथ का खाना, आप किसी और को भी जहमत दे दो कि हमें पका के खिला दें, तो हमने सोचा हम डिनर करने बाहर चले आते हैं, ठीक है तो हम जाते हैं और आपके साथ सारी अपडेट शेयर करते हैं और फिर बताएं कैसा लगा भाई, बता आज का दिन कैसा लगा हमें बताइएगा जरा। तो जी हम लोग निकल गए थे घर से और हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे, तकरीबन 10:30 बजे तक, हमें ये था जब तक हमें भूख नहीं लगेगी अच्छे से जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे। हाँ डिनर करने जा रहे थे अब खाली, मतलब ऐसी तो नहीं ना कि जाके बैठ जाए पेट भरा हुआ है और ज़बरदस्ती तो नहीं ना खा सकते, तो हमें थोड़ा लेट ही आराम से निकले थे ताकि ज़रा अच्छी वाली भूख लगी भी हो और खाने में मज़ा भी आया। तो फिर अच्छा हम लोग जा रहे थे, कुछ फंकी सा हमें खाना था, हम लोगों ने सोच लिया था हमें कोई बिरयानी कोरमा कढ़ाई कबाब वगैरह नहीं खाने क्योंकि पूरे महीने भी आपने यही सब खाया है ऑन एंड ऑफ, और आगे भी जब दावत होगी घर पे तो यही सब बनता है क्योंकि यही बेसिक रेसिपीज़ होती हैं, नॉर्मली एक अवामी खाना है ये हमारा ना, बिरयानी कोरमा और कढ़ाई पुलाव वगैरह, तो यही बन रहा होता है हमारे घर में भी यही बन रहा होता है, और क्योंकि इसमें थोड़ा एफर्ट भी कम लगता है बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है। तो खैर हम लोगों ने सोचा था हम कुछ बर्गर्स वगैरह खाएंगे और अम्मी अब्बू से भी पूछ लिया था जाने से पहले कि आप लोगों का क्या मूड है, हमारा ये मूड हो रहा है, तो उन लोगों ने कहा हाँ चलो ठीक है हम लोग भी यही सब खा लेंगे, और अब्बू भी कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनको बीफ बर्गर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो हम तो आ गए थे बर्गर क्लॉक और वहाँ पे पहुँच गए थे, टाइम पे पहुँच गए थे, मतलब 10:30 बजे तक हम वहाँ पे थे, 10:30-11 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे, और फाइनली हमें ना, और जैसे ही पहुँचे हैं ना हमें फ़ौरन से सीट भी मिल गई थी, मतलब हमें वेटिंग नहीं करनी पड़ी और फटाफट हमने वहाँ पे जाके ऑर्डर दिया, लेकिन हमने ऑर्डर तो दिया लेकिन ना बाहर हमारी नज़र पड़ी थी क्योंकि उसके ही अपोजिट है 5-star पे हवेली, और इतना रश था, हमने 50 लोग नीचे खड़े हुए थे और हमने शुक्र अदा किया कि यार हमने यहाँ का नहीं सोचा, हाँ हम और कहीं रेस्टोरेंट नहीं गए, हमने फास्ट फूड का ही सोचा क्योंकि हमें इजीली क्या कहते हैं सीट भी मिल गई थी और हमारे लिए वहाँ पे जाना और खाना एंजॉय करना काफ़ी अच्छा रहा और मज़ा भी आया हम लोगों को, हमारा बेड वाला एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि हमने बाद में देखा है लोगों के बहुत बुरे बुरे हाल हुए हैं, और फिर उस वक्त जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रश होता है तो आपको सर्विसेज भी अच्छी नहीं मिल रही होती हैं तो खाने में भी इधर उधर हो जाता है, तो खैर हम लोगों को मजा आया और हम लोगों ने यहाँ पे आके बर्गर्स वगैरह ही खाए थे, और क्या कहते हैं अच्छा लगता है इधर का बर्गर हमें अच्छा लगता है, इसके अलावा हमें बर्गर लैब का अच्छा लगता है बर्गर, और ये दो जगहें जहाँ के हम खाना पसंद करते हैं, KFC का भी अच्छा होता है, KFC का भी अच्छा होता है। अच्छा यहाँ पे हम ऑर्डर दे चुके थे और उसके बाद मैंने बोला चलो, क्योंकि सारे लोग ना अच्छा सीटें फुल थीं लेकिन ये नहीं था कि बहुत ओवर क्राउडेड नहीं था, ठीक है तो हमने ज़्यादा वेट भी नहीं किया, मतलब 15 मिनट में हमारा आ गया था ऑर्डर, 20 मिनट में हमारा ऑर्डर आ गया था, थोड़ी बहुत सेल्फियाँ चली जो कि जाहिर है और ईद के मौके पर तो सेल्फियाँ मस्ट है, वरना तो पूरे साल हम पूछते भी नहीं है सेल्फी को, और हमने सोचा था हम अपने बाल कवर कर लेंगे लेकिन फिर हम लोगों ने बालों को छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ का मौसम थोड़ा नॉर्मल था, क्योंकि वहाँ का जहर है एसी वगैरह ऑन था और मतलब वेदर काफी हद तक अच्छा था, लेकिन बाहर निकल के हमने अपने बालों को कवर कर लिया था कवर नहीं किया था ऊपर कर लिया था कैचेस लगा लिए थे उसको ना। अच्छा खैर हमारा इतनी देर में जब तक हमने सेल्फी वगैरह ली थोड़ी सी तो इतनी देर में हमारा ऑर्डर आ चुका था, तो हमने बर्गर्स मंगवाए थे सबके लिए, चिकन बर्गर मंगवाया था, अब्बू के लिए बीफ मंगवाया था, उसके अलावा हमने फ्राइज
मंगवाई थी, विंग्स मंगवाए थे और चिकन स्ट्रिप्स मंगवाई थी जो कि काफ़ी मज़ेदार थी और फ्रेश फूड था। ये नहीं था कि उन्होंने रीफ्राई करके नहीं दिया था, और बहुत अच्छा लगा कि फ्रेश फूड ही सर्व कर रहे थे। बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही होता है, फ्रेश ही फूड सर्व करते हैं अक्सर। असल में वो इसलिए बता रही है लोगों के ना, बहुत ज़्यादा हम ना रिव्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें बैड रिव्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो हम लोगों को हमेशा थोड़ी सी ये डर लगा रहता है कि यार हम जा रहे हैं बस खाना अच्छा मिल जाए। क्योंकि एक चीज़ है ना, आप प्लान करके जा रहे होते हैं और खाना अगर आपके पास अच्छा नहीं असर हुआ है ना, तो फिर मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। हम लोगों का तो खैर हो ही जाता है कि यार ये क्या बात है, ये तो बड़ा बुरा वाला मजाक हो गया। तो ऐसा एक्सपीरियंस एक ही बार हुआ है हमारे साथ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। हम लोग क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं थोड़ा सोच समझ के जाते हैं हाँ, कि ना हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि बाहर जा रहे हैं आप अपना मूड अच्छा करने के लिए जा रहे हैं और एक इन्जॉय करने के लिए जा रहे हैं ना। ये नहीं, खाना तो देखें घर पर भी खाते हैं, लेकिन बाहर जाने का मकसद ये होता है कि यार थोड़ा सा ना माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और इन्वायरमेंट चेंज होगा। घर में तो रोज़ वाला इन्वायरमेंट होता है, रोज़ वाला होता है। और खैर बाहर गए थे और बहुत अच्छा हुआ कि वो भी होता है ना, फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरता है बाहर जाते हैं, तो खैर हम लोगों को अच्छा लगता है बाहर जाके सम टाइम खाना खाना, हर वक्त नहीं हम बाहर जाके खा रहे होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। ये कि एक तरह से हमारा ये ईद डिनर था जो हम लोगों ने बाहर जाके किया और मज़ा बहुत आया, हमारा फैमिली वाला टाइम था जो कि बहुत मज़ा आया। क्योंकि ना अच्छा फर्स्ट डे हमारा हमेशा बोर गुजरता है कि ज़ाहिर है हमारे ना सेकेंड डे पे आते हैं जितने मेहमान हैं ना, वो सेकेंड डे पे आते हैं और फर्स्ट डे हमारा थोड़ा घर में गुजरता है, तो ना अगर घर में होते हैं ना तो नींद बहुत आती है और सोते सोते गुजर जाता है पूरा दिन और बहुत बोरियत होती है। तो इस बार हम लोगों ने यही सोचा था कि हम बाहर जाएंगे, इसलिए मैंने दोपहर में खाना वाना बना लिया था और अम्मी को कह दिया था कि रात के लिए कुछ नहीं बनाइएगा और जो अगर रखा हुआ अभी है तो उसको प्लीज़ फ्रिज में रख दीजिएगा। हाँ, कि अगर नहीं खाया किसी ने, क्योंकि ऐसा होता ही है ना, वो कीमा वगैरह था वो बच भी गया था, तो मैंने कहा नाश्ते वगैरह में खा लिया जाएगा, क्योंकि भाई तो वैसे ही खाना वगैरह जो है ना उनको ज़रा देसी टाइप का पसंद है ना, नाश्ता वगैरह नाश्ते में खास तौर पर भाई के लिए तो चाहिए ही चाहिए उन्हें नाश्ते में इसी तरह का देसी वाला फूड। और आप लोग बताएगा भाई, आप लोगों की दिन कैसा गुजरा, मतलब ईद का डे कैसा गुजरा और आपने रात का डिनर क्या किया, लंच क्या किया, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। जैसे हम लोग अपने अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं कि हमने डिनर में ये खाया, हमने लंच में ये खाया और हमने ये इंजॉय किया, तो आप लोग भी कमेंट करके अपनी खुशी अपने हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर खुद पकाया या फिर खुद जाके खाया कहीं पे, और क्या कहते हैं क्या क्या किया, ये ज़रूर थोड़ी बहुत डिटेल हमारे साथ शेयर करिएगा। हमें अच्छा लगेगा, के कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है और हम लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं आप लोगों के कमेंट्स को। अरे हम तो करते ही करते हैं, साथ साथ हमारी मदर मतलब अम्मी हमारा बहुत इन्जॉय करती है, इतने मतलब अम्मी के ठट्टे निकल रहे होते हैं, अम्मी इतना इन्जॉय कर रही होती हैं आप लोगों के कमेंट्स जब हम पढ़ रहे होते हैं। अच्छा खैर हमारा हो गया था डिनर, मतलब हो कर रहे थे डिनर और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पी रहे थे और बड़ा इन्जॉय किया, इतना पीसफुल माहौल था, इतना मजे से हमने एंजॉय किया ना, मतलब खचाखच वाला माहौल, यार शोर नहीं था, सुकून के साथ हमने अपना डिनर कर लिया। अच्छा यहाँ से डिनर करने के बाद हम लोगों ने अबू से कहा कि ना हम लोग जाएंगे आइसक्रीम खाने, तो अबू ने कहा एक काम करो अल्फाइन चलो, अबू को अल्फाइन की आइसक्रीम पसंद है, हम लोगों को भी पसंद है, तो खैर हम लोग अल्फाइन गए तो वहाँ पे से बस हम बाहर से देख कर ही ना आगे बढ़ गए, क्योंकि इतना रश था कि आप उस पे पाँव भी नहीं रख सकते, सर नजर आ रहे थे, सिर्फ सर दिख रहे थे वहाँ पे, बंदा तो दिख ही नहीं रहा था ना, सर दिख रहे थे। मैंने बोला भाई आगे चलें, हमें खानी तो है आइसक्रीम वगैरह कुछ खाना तो है, लेकिन आगे चलें। आगे हम कहाँ गए, हम गए नागन चुरंगी पे जो ये है मेहरान आइसक्रीम, हम यहाँ चले गए थे, यहाँ पे भी रश था लेकिन शुक्र चलने की स्पेस थी और हम वहाँ चले गए थे और हमने ना कुछ यूनिक सा खाना था, कुछ अलग अलग खाना, कुछ अलग अलग हम लोगों ने ऑर्डर किए, इसलिए हम में से किसी का भी ऑर्डर ना टाइम पे नहीं मिला, मतलब अम्मी अब्बू का ऑर्डर पहले मिल गया था, हमारे ऑर्डर तैयार हो रहा था तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा यहाँ पे भी ना सीट्स थी नहीं क्योंकि वो फुल थी और हमें सीट मिलने में तकरीबन 10 मिनट लगे थे। तो इधर हमने अम्मी अब्बू के लिए ऑर्डर किया था ये कुल्फी, मलाई कुल्फी के नाम से था ये, और ये हमने ऑर्डर कर दिया था और इस वक्त बज रहे थे 12:30। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मैंने ऑर्डर किया था वफ़ल ऑर्डर किया था अपने लिए, और ज़ोया ने क्या किया था कोल्ड प्लेट ऑर्डर की थी और निहाल के लिए अलग थी, मतलब उसने बाउंटी आइसक्रीम जो थी वो ऑर्डर की थी। अच्छा इन सब के काउंटर्स अलग अलग हैं तो आपको अपने स्लिप ना अलग अलग काउंटर्स पे से ही आपको अपना ऑर्डर रिसीव करना पड़ता है, तो इस वजह से ना हमारे ऑर्डर अलग अलग आए एक साथ नहीं आए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा और दूसरा रश भी बहुत था। रश तो बहुत था ही, अपिया का ऑर्डर बनने में भी टाइम लगा और मतलब वॉफल बनने में भी जाहिर है उसमें थोड़ा तो टाइम लगता ही लगता है, और दूसरा जो कोल्ड प्लेट थी उसमें भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। खैर हमारा ऑर्डर आ गया था और अब्बू और
पर अम्मी तो जल्दी फारिग हो गए थे, उन्होंने अपनी आइसक्रीम खा ली थी। अब्बू बाहर चले गए थे, अब्बू ने कहा भाई मुझे गर्मी लग रही है, मैं ना बाहर जा रहा हूँ, आप लोग का वेट कर रहा हूँ, आप लोग अपना आराम से इंजॉय करो और उसके बाद बाहर आ जाना। अच्छा ये आ गया था वॉफल। यार यहाँ का मैं वॉफल के लिए आपको तारीफ़ करूँगी और रिकमेंड करूँगी कि यहाँ का वॉफल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार था, हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो आप लोग भी जाके ट्राई कीजिएगा। और ये है कोल्ड प्लेट, और ये हमने किटकैट फ्लेवर में मंगवाई थी जो कि काफ़ी मज़ेदार थी, लेकिन हम अच्छा इससे कंपेरिजन करें ना वॉफल का, तो हमें वॉफल ज़्यादा अच्छा लगा, वॉफल ज़्यादा अच्छा लगा। और वॉफल के साथ मैं सोच रही थी एक कप कॉफ़ी हो जाती तो बस मज़ा आ जाता, लेकिन हमारा पेट इतना फुल था तो हमने कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं मंगवाई। अच्छा ये था, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी तो हमने अकेले तो नहीं खाई, हम खा ही नहीं सकते थे, हमने अम्मी से कहा अम्मी प्लीज़ इसमें हमारे साथ खा ले, नहीं तो हम नहीं खा सकते। नहीं, अम्मी और निहाल दोनों को हमने इसको इसमें इन्वॉल्व किया, हमने कहा भाई इसको ख़त्म करवाएं, हम अकेले नहीं खा सकते, और ये आए तो इसको प्लीज़ गर्म गर्म ही खाइएगा, उसी में मज़ा है, ठंडा होने के बाद हाँ अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर ये मुझे बड़ा पसंद आया, मैं दोबारा जाऊँगी तो ज़रूर ट्राई करूँगी और जल्दी जाके ट्राई करूँगी, सुकून से बैठ के खाऊंगी फिर एंजॉय करूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था यार, लोग इधर उधर मतलब एक ना गहमा गहमी बहुत ज़्यादा थी, और फिर लोगों का रश ज़्यादा होता है ना तो एक वो है ना पीसफुल माहौल के साथ आप अपना फूड इंजॉय करें वो वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतने रश में भी अपना व्लॉग नहीं छोड़ा और उसको भी बनाया हमने। हाँ, हमने कहा भाई हम आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे और ईद के दिन हमने क्या क्या किया पूरी की पूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, और हमने बताएगा ज़रूर इंसाफ के साथ शेयर करी है कि नहीं करी है। नहीं, हमने पूरी कोशिश करी हम आपके साथ शेयर कर सकें सारी चीज़ों को, और ये देखिए हम चार लोग लड़ रहे हैं, नहीं हम खा रहे हैं। नहीं असल में पता है जो स्पूंस है ना बड़े हल्के थे और उसके हिसाब से ना मतलब मेटल का होना चाहिए था स्पून, ना ये डिस्पोजेबल नहीं होने चाहिए थे वॉफल के, वो ना कट नहीं हो रहा था, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत हमें अच्छा लगा, क्योंकि उस पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम होती है और वॉफल थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा गर्म होता है, और क्या कॉम्बिनेशन बन रहा होता है ना, आहा हा, हमने पहले इसको ख़त्म किया फिर उसके बाद हम गए थे कोल्ड प्लेट के ऊपर, और ये वाला वॉफल जो है ना इसके ऊपर आइसक्रीम मेरे हिसाब से थोड़ी और होनी चाहिए थी, तो मुझे इधर आइसक्रीम कम लग रही थी, तो मैं निहाल के कप में से ना आइसक्रीम लेके इसके साथ खा रही थी, तो उसके साथ भी बड़ा अच्छा उसका कॉम्बिनेशन लगा। निहाल की थी आई थिंक बाउंटी आइसक्रीम थी, मुझे कोकोनट बड़ा पसंद है और कोकोनट से बनी हुई जितने भी डेजर्ट्स होते हैं ना वो सारे मुझे अच्छे लगते हैं। तो खैर ये तो बस मुझे एक कोल्ड प्लेट जो है ना इसकी तो बस यही चार्म था कि ये रोल बना के और इसके ऊपर रख के देते हैं जो वॉफल है, वॉफल नहीं सॉरी ये जो बिस्किट है ना इसके ऊपर, और क्या कहते हैं इसी के ऊपर रख कर देते हैं, तो बस इसमें तो कुछ ज़्यादा चार्ट नहीं था लेकिन अच्छा था, खा लिया, अच्छा लगता है, खैर अट्रैक्टिव होता है, और हमने ये खाना था काफ़ी टाइम से, हमने बोला चलो आज खाते हैं, ईद का दिन है और आज ही खाएंगे। और घर आने के बाद हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो गई, क्योंकि नेक्स्ट डे आने थे मेहमान हमारे घर में, तो हम लोगों ने सोचा कि हम रात में ही ना कस्टर्ड पका के रख देते हैं डिज़र्ट बनाने के लिए, ताकि ये दूसरे दिन हमें ठंडा मिलेगा तो आसानी हो जाएगी, तो बस घर पर आके हम लोगों ने कपड़े चेंज करे थे और एक कस्टर्ड बना लिया था। और नेक्स्ट डे का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ईद वाला व्लॉग है उससे तो काफ़ी अच्छा होने वाला है नेक्स्ट डे का व्लॉग, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और जितनी रेसिपीज हैं जाहिर है वो तो आपके साथ शेयर करेंगे ही करेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड, आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।